नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक और शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है द इंटरलॉपर्स और जिसे लिखा है साकी ने। साकी मींस हेक्टर ह्यूज मुनरो, जो कि एक ब्रिटिश राइटर थे और बहुत अच्छी कमाल कमाल की शॉर्ट स्टोरी लिखी है, लेकिन बहुत सारी शॉर्ट स्टोरी ये अपने लाइफ स्पैन में पब्लिश नहीं करवा पाए थे और इसके बाद से जब इनकी डेथ होगी उसके बाद से लगातार इनकी जो है शॉर्ट स्टोरी पब्लिश होती आ रही है। इवन इनकी जो लास्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है वो 2010 में आई है। तो बहुत ही कमाल के राइटर हैं ये। इन्होंने ये जो कहानी है, पर्टिकुलर कहानी है, इन्होंने इसे लिखा है 1919 में इसे लिखा गया था और 1919 में ही इसे एक मैगजीन में पब्लिश करवाया गया था। बहुत ही कमाल की कहानी है। एक फैमिली लड़ाई के ऊपर बेस्ड है ये कहानी। अगर इंटरलॉपर्स की कहानी की मैं बात करूं तो एक फैमिली फ्यूड के ऊपर ये कहानी है जो जनरेशन से चली आ रही है, और वो कहानी है जमीन को लेकर, जंगल को लेकर, फॉरेस्ट को लेकर। जैसे कि आपको पता है कि नॉर्मली जमीन को लेकर अक्सर फैमिलीज में लड़ाइयां होती रहती हैं, तो ये उसी एक बेसिक से कंसेप्ट के ऊपर ये बहुत ही अच्छी कहानी लिखी है हेक्टर ह्यूज मुनरो ने, और एक बहुत ही अच्छा भाईचारे का मैसेज देना चाहा है उन्होंने अपनी इस कहानी के थ्रू। तो चलिए कहानी को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों जब कहानी की शुरुआत होती है तो हमें पता चलता है कि दो नेबर्स जॉर्ज एंड उलरिक बहुत ही फास्ट नेबर है और दोनों की फैमिली लड़ाई हुई है, फैमिली फाइट चल रही है काफी समय से, जनरेशन से चल रही है, और दोनों घूम रहे हैं फॉरेस्ट में। उनके घर के पास ही एक फॉरेस्ट है, वहां पे वो घूम रहे हैं दोनों और हवा चल रही, हवाएं चल रही हैं, दोनों शिकार पे आए हुए हैं। और फाइनली हमें पता चलता है कि जो जॉर्ज है वो जॉर्ज और उलरिक दोनों अपने मेंस के साथ आए हुए थे शिकार करने के लिए, लेकिन वो दोनों आगे निकल जाते हैं। आगे जब निकल जाते हैं दोनों एक दूसरे को फेस ऑफ आ जाते हैं, दाम एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं जंगल के बीचों बीच। तो वो क्या करते हैं, वो अभी शूट कर देने जाते हैं एक दूसरे को मार देने जाते हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता है नेबर्स को आप इस तरीके से नहीं मार सकते, या तो उसने आपको कुछ बुरा भला कहा हो या आपकी फैमिली के अगेंस्ट हो गया हो तभी आप शूट कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे आप शूट नहीं कर सकते हो। अब दोनों के मन में यही है कि मैं इसको मार दूं, दूसरा मैं इसे मार दूं, और तभी क्या होता है तूफान चलता है और एक पेड़ को बहुत बड़ा पेड़ की बहुत बड़ी टहनी जो है ब्रांच है वो टूट के इनके ऊपर गिर जाती है, दोनों के ऊपर गिर जाती है, एंड दे लाई पिनियन अंडर ट्री, और एक उसके नीचे वो, उस टहनी के नीचे वो दब जाते हैं। अब दबने के बाद भी उनको अपनी लड़ाई से पीछा नहीं छूटा है, एक दूसरे को कर्ज कर रहे हैं वो, है ना। अब जो उलरिक है वो बोलता है कि जॉर्ज है वो बोलता है कि उलरिक दब के मर क्यों नहीं गया, क्योंकि वो तो एक स्टोलन फॉरेस्ट में घूम रहा था, तो अगर वो इसी फॉरेस्ट में घूमता घूमता इस तहानी के नीचे दब के मर जाता तो अच्छा होता है, ये बड़ी बढ़िया जस्टिस होती उसके साथ, जॉर्ज के साथ। अब जॉर्ज का ये मानना है, इन दोनों का जो फॉरेस्ट है जॉर्ज का ये मानना है, एक्चुअली जो फॉरेस्ट है था वो जॉर्ज के दादाजी का ही था, मतलब जॉर्ज का ही था, लेकिन जो उलरिक के दादा है उन्होंने लड़ झगड़ के किसी तरीके से कोर्ट के थ्रू वो जो फॉरेस्ट था अपने अंडर कर लिया था, और उलरिक एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब अच्छे अमीर घराने से बिलोंग करता है वो, ठीक है। अब क्या होता है, दोनों एक दूसरे को कर्ज कर रहे होते हैं, उलरिक बोलता है कि पहले तो जॉर्ज यही बोलता है जैसे मैंने आपको बताया कि उलरिक को नीचे दबके मर जाना चाहिए था, फिर उलरिक बोलता है कि मेरे मैन आ जाएंगे और फिर वो तुम्हें दे विल सेव मी एंड दे विल किल यू, बोलता है कि मेरे मैन सबसे पहले आ जाएंगे और वो आ जाएंगे और वो तुम्हें मार देंगे और मुझे बचा लेंगे। अब जॉर्ज जिसको काउंटर अटैक करता है, जॉर्ज बोलता है कि मेरे मैन पहले आएंगे और वो मुझे निकाल देंगे और फिर क्या करेंगे, वो पूरा जो पेड़ है ना वो तुम्हारे ऊपर फेंक देंगे, और जब तुम्हारे मैन बाद में आएंगे तो फिर क्या होगा, वो तुम्हें मरा हुआ देख के जाएंगे, और कोई बात नहीं तुम टेंशन मत लो, मैं जो कंडोलेंस है ना वो तुम्हारी फैमिली को भेजूंगा, है ना, अपनी जो सांत्वना है वो तुम्हारी फैमिली को जरूर भेजूंगा। अब उलरिक इसका जवाब देता है, उलरिक बोलता है कि मेरे मैन तुमसे पहले आएंगे और वो तुम्हें मार देंगे और मुझे बचा लेंगे, और मैं तुम्हारे यहाँ पे कंडोलेंस नहीं भेज सकता, सांत्वना मैं तुम्हारी यहाँ सहानुभूति मैं तुम्हारे घर पे नहीं भेज सकता, क्योंकि तुम मेरे दुश्मन हो, यू आर लाइक ए थीफ फॉर मी, क्योंकि तुम मेरे जंगल में घूम रहे हो शिकार करने के लिए, तो तुम एक यू आर लाइक ए थीफ, सो एक थीफ के घर पे कंडोलेंस मैसेज भेजना इट्स नॉट ए राइट थिंग अकॉर्डिंग टू मी। सो इसीलिए इसी तरीके से उनकी फ्यूड चल रही होती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है, थोड़े समय के बाद दोनों की फाइट जो है वो कम होने लग पड़ती है, दोनों एक दूसरे को कर्ज करना छोड़ देते हैं। अब उलरिक के पास वाइन थी, वो वाइन पीता है, सबसे पहले चेंजेस उसमें आता है, और वो जब जॉर्ज की ओर देखता है तो उसे देख के उस पर थोड़ी दया आ जाती है, उस पैथेटिक कंडीशन में जॉर्ज को देख के उलरिक को उस पर दया आ जाती है, और वो अपना वाइन फ्लास्क उसकी ओर फेंकता है, बोलता है इसे ड्रिंक कर लो तुम्हें अच्छा लगेगा।
जॉर्ज बोलता है मैं नहीं पी सकता क्योंकि मेरी आंखों के आसपास खून ही खून है, मुझे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो बोलता है वैसे भी आई डोंट लाइक टू ड्रिंक विद द एनिमी, बोलता है एनिमी के साथ ड्रिंक पीना मेरी आदत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर वो ड्रिंक पी लेता है, मतलब आपस में उनकी जो है ना बन जाती है। फिर जॉर्ज बोलता है कि जब हम इसके बाद यू नो इकट्ठे जाएंगे अपने घरों की ओर तो लोग हमें इकट्ठे देख के बहुत हैरान हो जाएंगे। और उल्रिक बोलता है अगर मेरे मैन मुझे बचाने आते हैं तो मैं उनसे कहूंगा कि वो पहले तुम्हें बचाएं। और जॉर्ज भी यही कहता है कि अगर मेरे मैन पहले आ जाते हैं तो फिर मैं चाहूंगा कि वो मैं उनसे कहूंगा कि वो पहले तुम्हें बचाएं उसके बाद मुझे बचाएं। तो इस तरीके से दोनों की आपस में बन जाती है और जो फैमिली सिचुएशन फाइट इतने समय से चली आ रही थी और फाइनली वो दोनों को जब अपनी डेथ अपनी मौत सामने दिखाई देती है वो दोस्ती में बदल जाती है और वो दोस्त बन जाते हैं इसी बीच, ठीक है। और वो अपने डेंजर्स को उन्हें पहले तो उन्हें अपना डेंजर्स दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन अब उन्हें अपना डेंजर जो है डेथ का डेंजर साफ साफ दिखाई दे रहा था। फिर क्या होता है, फिर उल्रिक को यू नो जब जिस ओर से उल्रिक आया था उसी रास्ते से उसे कुछ यू नो परेशानी आए यू नो लोग आए दिखाई देते हैं, उसे लगता है कि कोई आ रहा है। तो उल्रिक को लगता है, जॉर्ज को लगता है कि उसके मैन आ रहे हैं, लेकिन उल्रिक जब ध्यान से देखता है बोलता है दे आर नॉट द मेन्स बट दे आर द बूल्स, तो बोलते हैं बूल्स आ रहे हैं। और इसी के साथ हमारी जो कहानी है खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये राइटर ने बहुत ही अच्छा किया है कि राइटर ने जो कहानी है उसका एंड को खत्म नहीं किया है, उसने उसको यू नो ही हैज ओपन द आंसर टू टू द रीडर्स, उसने जो कहानी का एंडिंग है वो रीडर के ऊपर छोड़ दी है कि क्या वो वहां से बच जाएंगे या मर जाएंगे। ऑब्वियसली ज्यादातर सिचुएशन तो ऐसी होगी कि वो दोनों मर जाएंगे, लेकिन राइटर ने ये बोला नहीं है। तो ये उसने बिल्कुल बोला नहीं है कि यू नो क्या होगा उनके साथ, क्या हुआ था बाद में दोनों के साथ, और ये उसने रीडर्स के ऊपर छोड़ दिया है कि उनकी एंडिंग क्या होगी। रीडर अपने हिसाब से इस कहानी को एंडिंग दे सकते हैं। और आई थिंक इस जगह पे जो हेक्टर ह्यूज मुनरो है, जो साकी है, वो उसने दिल जीत लिया है मेरा, क्योंकि मुझे जब कोई राइटर कोई नॉवलिस्ट आई थिंक जब कोई कहानी का आंसर खुद नहीं करता है रीडर के ऊपर छोड़ देता है तो दैट्स थिंग आई 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 लाइक अबाउट द राइटर्स। तो ये चीज मुझे बहुत पसंद है और इसी के साथ जो हमारी जो कहानी की एंडिंग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इसी तरह से लिटरेचर से जुड़ी वीडियोस, एचपीयू से जुड़ी अपडेट्स और सारी एग्जाम नोटिफिकेशन एजुकेशनल अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती है। नई वीडियो में नई अपडेट, नई कहानी, नई स्टोरी, नई पोइट्री, नए प्ले लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।